सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो हमदर्द टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनुष्का राणा। अजकल चोरां दे हौसले इन्ने बुलंद ने कि वह मंदिर वर्गियां धार्मिक स्थानां नूं वी नहीं बख्शते। अजिहा ही एक मामला सामने आया है भदौड़ तो, जिथे चोरां ने भगवान हनुमान दे मंदिर नूं अपना निशाना बनाया, जिस तों बाद इलाके च सनसनी फैल गई ते इलाका वासियां ने जल्द तों जल्द दोषी नूं काबू करन दी मंग कीती है। जानकारी दिंदिया मंदिर के पुजारी ने दसिया कि वह रोजाना की तरह जो सवेरे भगवान हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने उपरंत धूपबत्ती करके गीता भवन विखे चले गए, तो उस बाद श्रद्धालु मत्था टेकन आने शुरू हो गए, जिस तों बाद अचानक एक श्रद्धालु ने आके दसिया कि मंदिर में रखा गुल्लक गायब है, जिस तों बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरती पूजा मैं ही करता हूं यहां पे। केड़े मंदिर से करते हैं? इसमें भी हनुमान जी के मंदिर में भी, गीता भवन में भी। आज की कितने बजे तुसी ज्योत बत्ती करी है ते कितने बजे जेड़ा गल्ला चोरी? 5:30 बजे मैंने आरती करी है। मैं यहाँ पर जल छिड़क के गया हूँ, गड़ी भर के गया हूँ पानी की यहाँ। उसके बाद मैं गीता भवन में चला गया। उसके बाद में 7:30 बजे नेड़े तेड़े अपने ये नूतन आया यहाँ पे, उसने कहा पंडित जी गल्ला है नहीं। मैं आया देखा तो वाकई में गल्ला नहीं है। ये 6:15 बजे बाड़िया साहब गल्ले में पैसा पक गए, बोलो 6:15 बजे मैं मत्था टेक के गया हूँ और यहाँ मैं गुल्लक पक गया हूँ पैसे, बोलो। उसके बाद में फिर हमने पुलिस में फ़ोन किया, पुलिस पहुँच गई मौके पर। अभी CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं। अज जी चोरी हुई है जी, मेरे को नीतन का फोन गया जी तकरीबन 8:30 बजे, कहते भी करके मंदिर से अपने भी गला चोरी हो गया जी। अपने वह बहुत बहुत महत्वभागी घटना जी हुई है जी। तो ये जो थाने फोन भी लाया सीगा जी, और SHO साहब ते सारी पुलिस फोर्स में मौके ते भी पहुंची है जी। उधर मौके ते पहुंचे SHO ने दसिया कि उन्हां वल्लों इस मामले की जांच की जा रही है ते आसपास दीयां दुकानां दे CCTV कैमरे चेक किए जा रहे ने। उन्हां कहा कि बेशक चोर नूं फड़न लई पूरी कोशिश की जा रही है, जल्दी ही चोर नूं काबू कर लिया जाएगा ते कानून मुताबक सख्त तो सख्त सजा दी जाएगी। भदौड़ तो गुरविंदर सिंह की रिपोर्ट, हमदर्द TV।